से कहेंगे कि आपके बच्चे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखें, उन्हीं को दोहराएं, और दोहराने के बाद भी अगर उसमें कोई गलती हो तो आप उसे सही तरीके से वापिस करने की कोशिश करें। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे ऑलिव सदन से दिव्या ने एक सवाल पूछा था हमारे सदन से कि सूर्य देवता को जब हम जल अर्पण करते हैं तो वो हमारे नेत्र के लिए बहुत लाभदायक है, तो ये शायद भारतीय संस्कृति के अंदर ही आता है। तो आप बता सकती हैं जिस संस्कृति का भगवान कर रहे हैं यहाँ पे, वहां पे 56 भोग है लेकिन खाना आपको 400 का भी चाहिए, मुझे बताइए ये बात आप। और अभी एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आपकी संस्कृति में आयुर्वेद की बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन क्यों आप फिर जीव जंतुओं के मार की जो दवाइयां बनती हैं उनसे आपके शरीर को क्या कहते हैं शरीर को लाभ देना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। और एक और चीज जो मैं कहता हूँ यहाँ पे, जो भारतीय संस्कृति में होती है कि यहाँ पे 16 तरह के अनाज होते हैं, लेकिन आप पीते भी कोल्ड ड्रिंक है और खाने में भी आप जीव जंतुओं के मांस का इस्तेमाल करते ही होंगे, है ना? यहाँ पे कोई ऐसा भारत है जो मांस ना खाना जब तक वो प्योर वेजिटेरियन ही है। सी, आप सब भारतीय हैं, आप सब भारतीय भी मांस खा रहे हो, ठीक है?
आप लोगों ने खुद सुना है उस समाज का ना, हम लोग बाजार में बेच रहे हैं कि आइए आइए खाइए खाइए।